हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछली कक्षा में आपने बीजीय व्यंजकों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम इनके गुणन खंडन फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं संख्याओं 3, 5, 7 का गुणनफल कितना होगा? जी हाँ, इनका गुणनफल 105 होगा। आप देख सकते हैं कि 3, 5 और 7 संख्या 105 के गुणनखंड है और इस प्रकार हमने 105 का गुणनखंडन किया है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने को गुणनखंडन कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि हम संख्या 105 को 21 गुना 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या 5 और 21 भी संख्या 105 के गुणनखंड कहलाएंगे? सोचिए। जी हाँ, ये भी गुणनखंड होंगे, परंतु गुणनखंडन की विधि में गुणनखंडों को अखंडनीय इररिड्यूसिबल रूप में लिखना आवश्यक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन को समझते हैं। आइए इस बीजीय व्यंजक 3Q को देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? हम देख सकते हैं कि इस बीजीय व्यंजक में एक ही पद है, अर्थात ये एक पद कहलाता है। क्या अब आप इस पद का गुणनखंडन कर सकते हैं? जी हाँ, हम पद 3Q को 3 गुना Q के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार से हम बीजीय व्यंजक 84XYZ का भी गुणनखंडन कर सकते हैं। हम इस व्यंजक को 84×X×Y×Z लिखते हैं। यहाँ 84 एक भाज्य संख्या है जिसका आगे गुणनखंडन संभव है। इसको आगे हल करने पर हमें 2×2×3×7×X×Y×Z मिलता है। अतः इस प्रकार हमने 84XYZ का गुणनखंडन किया। अब तक हमने एक पदों का गुणनखंडन करना सीखा। क्या द्विपदों का भी गुणनखंडन संभव है? इस द्विपद 5x2+6z को देखते हैं। हम यहाँ पर पहले पद 5x2 को 5×x×x के रूप में लिख सकते हैं और दूसरे पद 6z को 2×3×z के रूप में लिख सकते हैं। है ना आसान? तो दोस्तों, इस सत्र में हमने एक पदी और द्विपद का गुणनखंडन करना सीखा। अगली वीडियो में हम गुणनखंडन से जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।